सुप्रभात बच्चों, आज फिर से आपको हिंदी की एक वर्कशीट दी जाएगी, पाठ 13 की। आज दिनांक है 9 फरवरी 2021। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न पहला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मैंने आपको प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखना है। हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? तो जब हमने पाठ पढ़ा था, हमने देखा था कि चिड़िया सबको जगा रही थी, सब लोग सो रहे थे, तो हाथी को साथ लेकर के चिड़िया कहाँ गई थी? नदी के किनारे, तालाब के किनारे? आपको बताना है, पूरा उत्तर लिखना है। एक सिर्फ आप एक शब्द नहीं लिखेंगे, पूरा उत्तर लिखेंगे कि हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ की जगह, जो शब्द आएगा वो लिखना है। चिड़िया कहाँ रहती थी? तो आपको ये उत्तर बताना है कि चिड़िया पेड़ पर रहती थी, घोंसले में रहती थी, तालाब में रहती थी, जो भी जो आपको सही उत्तर है वो लिखना है। तरबूज खाकर सबने क्या किया? तो जब सबने तरबूज खाया उसके बाद क्या हुआ, है ना, हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। घ, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था? तो नदी के किनारे जब पेड़ बना हुआ था, जब वहां पर चिड़िया गई, तो वहां पे कौन सो रहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है, आपको सही का निशान लगाना है। बंदर ने हाथी को क्या दिया? गन्ना दिया, जामुन दिया, या फिर अमरूद दिया? अगर गन्ना दिया है तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है, जामुन दिया है तो इस बॉक्स में टिक करना है, और अमरूद दिया है तो इस बॉक्स में टिक करना है, ठीक है। अगला चलते हैं, बंदर क्या लेकर आया था? तरबूज, गेहूँ, या फिर दाल, ठीक है। तो आप जो सही उत्तर है आप उस पर लगाएंगे टिक, ठीक है बेटा। आपको ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ना है, पेरेंट्स से नहीं पढ़वाना, आप खुद पढ़ेंगे और खुद करेंगे। चिड़िया ने बिल में क्या डाला था? चूहा कहाँ रहता है? बिल में। तो बिल में क्या डाला था? पानी, दाल, या फिर गेहूँ, है ना, आपको बताना है। घ, चिड़िया कहाँ रहती है? घर में, घोंसले में, या फिर पानी में, ठीक है। आप इनको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखिए और इनका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, अपने मैं हर एक दूसरे तीसरे दिन मैं आपको पत्र की प्रैक्टिस दूंगी, आपको उसका उसे लिखना है, ठीक है। प्रश्न तीसरा, अपने दादाजी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने हेतु पत्र लिखें। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने माताजी अपनी जो मम्मा को थैंक यू जो पत्र लिखा था, आप कि आप जो भी आपने लिखा था, अब आप जो लिखेंगे वो दादाजी के लिए लिखेंगे, है ना। अब आपको आप मेरे प्यारे दादाजी, ठीक है, फिर आप उसमें लिखेंगे कि दादाजी आप कैसे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आशा करता हूँ या मैं आशा करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, आप सकुशल हैं, है ना, आपकी आप जो दवाइयाँ हैं वो समय पर ले रहे हैं। इस प्रकार से जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप अपने दादाजी के लिए महसूस करते हैं, जो भी आप अपने दादाजी के लिए विशेष चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, भगवान जी उन्हें बहुत अच्छा फिट एंड फाइन रखें, तो आपको लिखना है, ठीक है। नीचे आपका नाम ज़रूर लिखिएगा, तो कोशिश कीजिए दो चार लाइन डेली लिखने के लिए। मैं आपको हर एक पार्ट के साथ में जो है हर दूसरे तीसरे दिन जब भी टर्न आएगा मैं आपको ज़रूर पत्र दूंगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर जिन बच्चों ने पाठ नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार पाठ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पाठ पढ़ने से इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।